दलाल, सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल, तुम कह रहे 50 साल टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े। अरे सत्ता के दलालो, शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, 50 साल की बात करते हो ना। मोदी का विरोध देश का विरोध है। मैं कहाँ कर रहा हूँ विरोध, तो आप कर रहे हैं। मैं कहाँ कर रहा हूँ भैया मोदी विरोध, मैं करने वाला कौन होता हूँ? मैं करोड़ रोजगार का सवाल पूछे भाई, जब सब बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पीए के ऊपर कब्जा होगा, सही खुश है, आप भी तो कांप रहे हैं, आप भी तो कांप रहे हैं। एक कैमरा वाले नीचे करिए, पैर इनका कांप रहा है शंभू जी का। अरे नीचे करियो ना भैया, ए सत्ता के दलालो, नीचे करियो, नीचे करो भैया, देखो नीचे। मैं क्यों बोलूं, बोलने की हिम्मत है? अरे जब आप सुनो, अरे ए पत्रकार, सत्ता के दलाल, तुम्हारी जब हिम्मत नहीं पड़ती तो मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो उनके इशारों पे ही नाचूंगा। जब आप लोग सत्ता का दलाल है, बिल्कुल रूबिका दलाल है, सब दलाल है भैया, अंजना दलाल है, सिर्फ एक ही मर्द था भाई, पत्रकारिता का दंगा आपको याद होगा, उसके बाद में मनमोहन जी ने सदन में हाथ जोड़ के सिखों से माफी मांगी थी। 2002 वाले दंगे के लिए मोदी जी मुसलमानों से माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनावत का नाम सुने हैं? सुने हैं। उसने कहा है कि 2014 में भारत आजाद हुआ, जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे, तभी तो ये दीपिका, मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले आज निकली है, तभी आधी कच्ची उसकी दिख रही है, बस आधे कपड़े दिख रहे हैं उसके। तो अरुणों की बात कर रहे हो, अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। अरे कब? सुनो सुनो, पहले सुनो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, आप नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। ऐसे तो करते थे नरेंद्र मोदी जी, उसी रोड पे जैसे महिलाएं चलती है ना सम्मान के साथ में अकेली, वैसे मोदी, योगी, अमित शाह कोई भी हो, उस रोड पे चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, उस रोड पे अकेला चल के दिखा दे, मैं जैसे खुली आजादी में चल रहा हूं। भाई साहब, तो आप ही बड़ा होशियार हो, जनता 156 सीटें देती है गुजरात में मोदी जी को, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक भी सीटें नहीं मिली, उसका कहे नहीं बताते हो, उसका कहे नहीं बताते हो, 156 सीटें दे दी, 156 सीटें दे दी। नहीं आई है क्या 156 सीटें? वो तो आप कह रहे हो आई है, हम तो नहीं मानते, एक घंटे में ऑटो की संख्या बढ़ जाती है, आई है भैया, हम भी मानते हैं। क्या एक घंटे में ऑटो की संख्या का मतलब? मतलब आप बताओ भैया, जैसे आप नेहरू से पूछते थे, इनसे पूछते थे, इंदिरा जी से पूछ, चुनाव हार जाते हैं ना तो ईवीएम करने लगते हैं। अच्छा, ईवीएम लाया था कौन? कांग्रेस वाले लाए थे। बिल्कुल, मोदी जी लाए हैं? मोदी जी नहीं लाए हैं, लेकिन इशारों पे किसके नाच रहा है आप बताओ, किसके इशारों पर नाच रहा है? कौन इशारों पे नाच रहा है? पहले तो आपकी मीडिया ही इशारों पे नाच रही है। कौन नाम लेके बताओ, कौन एंकर इशारों पर नाच रहा है? एक की हिम्मत है नाम लेने की? अरे नाम ले ले, बताओ, बिच्छू का मंत्र नहीं आता सांप क्यों बिल में उंगली डाल दें आपके कहने का नाम ले। अरे मीडिया, अच्छा कौन सा चैनल ऐसा है, कौन सा ऐसा चैनल है जो राहुल गांधी की तारीफें दिखाता हूँ? अरे रूबिका वो अरुणों की बात कर रहे हो, अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। अरे कब? सुनो सुनो, पहले सुनो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, आप नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। ऐसे तो करते थे मनमोहन के मुंह में ठूसते थे, और मोदी के हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? अरे पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? नहीं, वो भी अरुणों का जिसका भी आपने नाम बताया, वो भी बहुत दिन पहले करता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और इस गोदी मीडियाओं पे थूकता है भारत। अक्षय कुमार ने पूछा, मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? वो अक्षय कुमार ने नहीं पूछा था, एक बार आप फिर से देखना, वो उनकी नौकर की लड़की ने पूछा था कि अक्षय कुमार जी पूछ लेना। हाँ, तो अक्षय ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यही, ये देखो गोदी मीडिया कैसी होती है, जो बड़ा होता है, जिसे लोग पहचानते हैं, उसे ही दिखाते हो। अब अक्षय कुमार को ये नहीं कह रहे कि उनकी नौकर की लड़की, सवाल पूछा कि कौन सी विटामिन लेते हैं, कौन सी विटामिन लेते हैं? अब ये तो भैया मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के बताऊंगा। हिमाचल में, अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है, हेलमेट पहन के वहां पे लड़ने के लिए गए थे ये, मोदी जी ने भगाया है? अरे हमारी सेनाओं ने भगाया है भैया, मोदी जी ने भगाया है, कैसी बात करते हो आप लोग, शर्म नहीं आती मोदी जी की तारीफ करते हुए आपको? मतलब मोदी जी की तारीफ ना करें? हम कहाँ कह रहे हैं ना करो, अभी आप कह रहे हो कि मोदी जी ने खदेड़ दिया भाई, से एक बात बताओ, सेना ने खदेड़ा है या मोदी ने खदेड़ा है, ये बता दो आप। मोदी जी है प्रधानमंत्री ना, क्रेडिट तो दोगे ना। अच्छा, और जो इससे पहले जो होते थे क्या हो गया उससे पहले? सुनो, 99 में नहीं हुआ था क्या? 71 में नहीं हुआ था क्या? पाकिस्तान से या चीन से और भी देशों से हुए थे ना, हमारी लड़ाई तो सेना
भगाती थी या वर्तमान प्रधानमंत्री भगाता था। एक बात बताओ भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनावत का नाम सुने हैं? सुने हैं। उसने कहा है कि 2014 में भारत आजाद हुआ, जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे, तभी तो ये दीपिका, मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले आज निकली है, तभी आधी कच्ची उसकी दिख रही है, बस आधे कपड़े दिख रहे हैं उसके। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। हम कर रहे हैं अपमान? अच्छा, वो बिल्किस बानो वाले पे जो संस्कारी ब्राह्मण बता के, भैया आपको याद हो, सुनो 84 नहीं होता होगा, देखो 84 का दंगा आपको याद होगा, उसके बाद में मनमोहन जी ने सदन में हाथ जोड़ के सिखों से माफी मांगी थी, 2002 वाले दंगे के लिए मोदी जी मुसलमानों से माफी मांगेंगे, महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, बिल्किस बानो से माफी मांगेंगे? मैं महिलाओं का विरोध कर रहा है, हम कौन होते हैं भैया? उनका अभियान चल रहा है बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे? क्या बोला था उसने, एक बार ईमानदारी से बता दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। झूठ बोल रहे हो तुम लोग यार, झूठ बोल रहे हो। सही पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर झूठ बोल रहे हो। जब तक सही नहीं बताओगे मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे जब आप सुनो, अरे ए पत्रकार, सत्ता के दलाल, तुम्हारी जब हिम्मत नहीं पड़ती तो मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो उनके इशारों पे ही नाचूंगा। जब आप लोग, सत्ता का दलाल है, बिल्कुल रूबिका दलाल है, सब दलाल है भैया, अंजना दलाल है, सिर्फ एक ही मर्द था भाई पत्रकारिता में, रवीश कुमार, जो सवाल पूछता था। हिम्मत है तो पूछो ना। रवीश एजेंडा चलाता था कांग्रेस का। अच्छा, हिंदू विरोधी है तो आप, टुकड़े गैंग का है, सुनो सरगना है। आप बीजेपी का एजेंडा चलाते हो? बीजेपी का एजेंडा चलाते हो? राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है, कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रनावत कौन होती है सबूत देने वाली? भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री है। पद्मश्री है? हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा था? अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रतन मिलना चाहिए, पद्मश्री तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। बात से इत्तेफाक नहीं रहता, महिला का अपमान हो। मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ मैं कह रहा हूँ। ये तो किसने कहा था भैया, आपको पता है? अरे अच्छा, वैक्सीन दे दी अभी बच पाए तुम। अच्छा, ये गुजरात में बन रही थी? अच्छा, गुजरात में वैक्सीन बन रही थी, मोदी जी ने दे दिया। अरे सत्ता के दलालो, सही, तुम झूठ क्यों बोलते हो? हिम्मत है तो सच्चाई बोलो ना, मोदी ने दिए वैक्सीन। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जितने खड़े हैं, कोई एक बंदा बता दे जिसे मोदी ने वैक्सीन दी हो, मोदी ने वैक्सीन लगाई हो। कभी कहते हो कि मोदी जी ने अरुणाचल के वहाँ पे मतलब चीनों को भगा दिया, कभी कहते हो मोदी ने वैक्सीन पेल दी। अरे भैया मोदी करता है ये। अरे भाई साहब, पेट्रोल पंप हटा लो, जिसको जाना है भाई जाइए। हाँ, छोड़ो, किसका किसका हटाना है? नहीं बस ठीक है। अरे रुको भैया, ऐसे मोदी जी का विरोध करके चले जाओगे बच के? भैया देखो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ईडी सीडी आपके जेब में बैठी होगी, भेज देना बस। जैसी एड्रेस बता दो, अगर योगी जी का सरकार है, वहाँ राम राज चल रहा है। अच्छा, तो राम राज का तो हम स्वागत करते हैं, हम तो स्वागत करते हैं भैया। मोदी जी, और मोदी जी तो वो साक्षात कल की अवतार है, भगवान राम को भी घर दिया उन्होंने, मंदिर बनवा दिया। भगवान राम को घर दिया? भगवान राम को घर देने वाला कौन होता है? मंदिर किसने बनवाया है? मंदिर का ताला किसने खुलवाया, ये क्यों नहीं बताते हो आप? मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? अरे मंदिर का ताला किसने खुलवाया, किसने बनाया? अरे भैया देखो, हर चीज का एक समय होता है, ये भी सूर्यास्त हो रहा है, अगर 3 बजे ही हो जाता, सुनो पहले। अरे सत्ता के दलाल, तुम कह रहे 50 साल, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे सत्ता के दलालो, शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, 50 साल की बात करते हो ना, 50 साल की बात करते हो, 50 घंटे की गारंटी कोई दे दे किसी की, आपकी गारंटी है कि अगले 50 मिनट बाद मुझे मिलोगे? मोदी जी का विरोध, देश का विरोध। मैं कहाँ कर रहा हूँ मोदी का विरोध, मैं कहाँ कर रहा हूँ भैया, मैं मोदी जी का विरोध करने लायक हूँ? मैं इतना काबिल, मैं ना राष्ट्रपति हूँ, ना मैं गृह मंत्री हूँ। तुम सपाई हो, बसपाई हो या कांग्रेसी हो? मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग, मैंने क्या कहा, ना मैं इस दल से हूँ, ना मैं उस दल से हूँ, मैं निर्दलीय हूँ बस। मीडिया दलाल है, बिल्कुल दिखाओ ना सच्चाई। 2 करोड़ रोजगार का है, पूछो कहाँ 2 करोड़ रोजगार है? अरे 15 लाख सप्ताह में नौकरी मिल रही है, पकौड़ा तलने की योजना है। अच्छा, पकौड़ा तलने से भारत का विकास होगा? तो तलो पकौड़ा, और क्या तलो, अगर पकौड़े से विकास होता है तो कह दें कि अब अगर इनका 24 में चुनाव होने वाला है ना, तो इनसे बोल देना मौजूदा सरकार से कि आप लोगों को, अरे सुनो,
फ्री में जीबी मिल रहा है, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है। अच्छा, तो बीएसएनएल को कहे बंद कर दिए थे? बीएसएनएल वाले नहीं देते। सरकारी कंपनी से अच्छा प्राइवेट कंपनी काम करती है। अच्छा भैया देखो, मैं प्राइवेट सेक्टर वालों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर जगह अगर प्राइवेट वाले ही आ गए ना, तो प्राइवेट वाले भी ढंग से काम नहीं करेंगे। मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं भैया? हमें तो नहीं मिली, ना हमारे गांव में किसी को आप मिली। उस लायक नहीं होंगे। अरे मैं तो ना लायक हूँ भैया? आप लोग जो मोदी से सवाल पूछेगा उसे आप लोग जबरदस्ती ना लायक साबित कर दोगे। मोदी का विरोध देश का विरोध है। मैं कहाँ कर रहा हूँ विरोध? तो आप कर रहे हैं। मैं कहाँ कर रहा हूँ भैया मोदी विरोध? मैं करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ बार बार, मैं कौन होता हूँ मोदी का? मान लो, माफी मांग लो, मीडिया दलाल नहीं है, कैमरे पर माफी मांग लो। अगर आप उनसे, अगर देखो वर्तमान सरकार से आप लोग सवाल अगर मांग पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार का सवाल पूछे भाई, जब सब बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पीओ के ऊपर कब्जा होगा, सही खुश है, आप भी तो कांप रहे हैं, आप भी तो कांप रहे हैं। एक कैमरा वाले नीचे करिए, पैर इनका कांप रहा है शंभू जी का। अरे नीचे करियो ना भैया, सत्ता के दलालो नीचे करियो, नीचे करो भैया। देखो नीचे सब दलाल है भैया। मैंने क्या बताया कि रवीश कुमारी भाई एक सही था बस, और उसका चैनल तो बिक गया, आपने देखा ही है। अगर आपने रवीश तो बेरोजगार हो गया, बेरोजगार हो गया, आप लोगों से अच्छा ही खाएगा, एक बात याद रखना। रवीश रहे? अरे कहीं नौकरी नहीं है भैया, नौकरी तो कहीं नहीं है, खा रहे हैं। धन्यवाद।